हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ संडे को आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूँ, हमेशा की तरह मैं वही डेक्स यूज़ करूँगी अनएक्सपेक्टेड में। मेजर अरकाना 5 कार्ड लेंगे, कलेक्टिव लेवल पर क्या होगा टैरो से हम देखेंगे, इन जनरल सबके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। लास्ट में हम लेंगे एंजल्स की तरफ से वार्निंग एंड ब्लेसिंग्स हमेशा की तरह, और ड्रीम्स मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकती है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। हमेशा की तरह मैं एक ही शफल करूंगी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। एक कार्ड नीचे गिर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड पकड़ना ही पड़ेगा मुझे। फिर से करते हैं, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, कुछ कार्ड मुंह छुपाए हैं तो हम बाद में ही देखेंगे। सो सबसे पहले देखिए, अनएक्सपेक्टेड द वर्ल्ड का कार्ड है। तो वर्ल्ड लेवल पे मैंने, आपको याद होगा लास्ट प्रेडिक्शन जो मैंने की थी पिछले हफ्ते, उसमें मैंने डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई किया था। इसी कार्ड, इसी डेक से डेथ का कार्ड आया था, मैंने क्लैरिफाई किया था और मैंने कहा था वर्ल्ड लेवल पे डेथ की न्यूज़ आएगी। ठीक है, और आपने देखा कैसे इज़राइल और हमास के बीच में कितने भयंकर रूप से युद्ध शुरू हो गया। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि अपने लाइफ में जो हमारी जो कंट्री है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है, सतर्क रहे। आपने देखा सिक्किम में उस रीडिंग के बाद सिक्किम में कैसे बादल फटा, क्लाउड बर्स्ट हुआ और कितने हमारे जवान शहीद हो गए। और मैंने पहला कार्ड वहाँ 9 ऑफ कप्स का आया था, मैंने आपसे कहा था कोई यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई खबर आएगी, यूनिफॉर्म वाली कोई खबर आ सकती है, और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन मैंने कहा था। और आपने देखा सिक्किम में कैसे बहुत भयानक रूप से बाढ़ आई और कितने नुकसान हुए हैं मैं बता भी नहीं सकती, हमारे कितने जवान उसमें बह गए, पता ही नहीं चला कि गए कहाँ। ठीक है, आई थिंक कुछ लोगों की बॉडी मिली भी है रिसेंटली, कुछ लोगों ने मुझे खबर भेजी थी। तो मेरे व्यूवर्स गाइस हर जगह हैं, ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड वाइड, तो हर जगह से मुझे खबर मिलती रहती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लिंक शेयर करता है कि मैम आपने ऐसा कहा था, ऐसा हो गया। मैंने कहा था रिवर की एनर्जी है, बल्कि मैंने ये भी कहा था हो सकता है कावेरी विवाद से ही रिलेटेड चले मामला, लेकिन देखिए अपने तिस्ता नदी का वो था कहर जो पूरे सिक्किम और इवन वेस्ट साइड बंगाल तक आ गया, तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की वो खबर थी। इसके अलावा मैंने कहा था कि अग्नि से रिलेटेड खबर आ सकती है, अग्नि भी आपने देखा कि कितनी ज़्यादा अग्नि ही अग्नि है, क्योंकि युद्ध छिड़ गया तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और भी मैंने बहुत कुछ बताया था बट मुझे याद नहीं रहता है गाइस कि मैं क्या बताती हूँ और क्या चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स भेजते हैं मुझे, मैसेजेस भेजते हैं कि मैम ये हो गया, ये हो गया, तो आप लोग खुद ही चेक कर लिया कीजिए और उसी वीडियो में कमेंट भी कर दिया कीजिए ताकि हो जाए चीज़ें आगे, क्योंकि मैं बोलना ज़्यादा नहीं चाहती हूँ, बहुत बुरा लगता है जब ऐसी चीज़ें घटित होती हैं। लेकिन इस रीडिंग का करने का मकसद ही यही है कि आप लोग सतर्क रहें, अगर मेरी वजह से एक जान भी बचती है तो मैं अपने आप को बहुत बहुत संतुष्ट फील करूंगी कि कम से कम कुछ तो फ़ायदा हुआ इस रीडिंग का। आज भी देखिए यहाँ पहला ही कार्ड द वर्ल्ड का है, तो डेफिनेटली वर्ल्ड लेवल पे चल ही रहा है सब कुछ, अब भगवान जाने। सफरिंग है, बहुत ज़्यादा सफरिंग, अनएक्सपेक्टेडली कुछ लोगों के लाइफ में आने वाला हफ्ता किसी तरह की स्लीपलेस नाइट लेकर आ सकता है, रात भर आपको जगना पड़े, टेंशन में रहना पड़े। ये देखिए रात में इंसान तभी जगता है या तो उसको किसी से धोखा मिला हो, बहुत कष्ट में हो, या फिर हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो,
तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अपना अपने परिवार के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें, मच्छरों से बहुत ज़्यादा बच के रहें, क्योंकि डेंगू का कहर आप देख रहे हैं किस तरीके से फैला है पूरे भारतवर्ष में। देन वी हैव कार्मिक डेब्ट्स, काफ़ी लोगों के क्लियर होंगे। आपके दुश्मन उभर कर बाहर निकलेंगे, जो छुपे हुए थे बिल में, वहाँ से बाहर निकलेंगे, आप पर हमला करेंगे, किसी तरह का ट्रिगर आपको मिल सकता है या उन्हें आपकी तरफ से ट्रिगर मिल सकता है। कोर्ट कचहरी का कोई मसला बाहर आ सकता है, इस तरह की चीज़ें हैं। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर जस्टिस हो सकता है, न्याय हो सकता है। साथ ही साथ कुछ लोग बिना बात के कोर्ट कचहरी में घसीटे जा सकते हैं, तो ये भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा सतर्क रहें। कार्मिक डेब्ट्स आपके क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कर्मा साइकिल साथ में है, तो पिछले जन्म की कुछ चीज़ें आपके ऊपर पड़ेंगी, बहुत अच्छी भी पड़ सकती हैं, बहुत बुरी भी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। देवदत्त, कुछ ज़्यादा ही तेज़ दौड़ रहे हो तुम, ये अपने आप ही टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है। देन वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर देखिए कुछ लोगों का विदेश जाने का या विदेश से रिलेटेड, विदेश से आने का कुछ इस तरह का सीन हो सकता है। वीज़ा का इंटरव्यू है या वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से कि कब क्लियर होगा। यहाँ पर कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल सकती है। आपका देखिए विदेश का मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ कंट्री, विदेश का मतलब एस्ट्रोलॉजी और टैरो में एक स्टेट से दूसरा स्टेट भी हो सकता है। तो हो सकता है कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं वो बैंगलोर चले जाएं, या बैंगलोर में रहते हैं दिल्ली आ जाएं, या पुणे चले जाएं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से विदेशी बोला जाएगा, क्योंकि आप अपनी जगह से, जहाँ पर आप हैं बहुत समय से, वहाँ से आप दूर जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोगों का आउट ऑफ कंट्री भी जाना हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड के साथ आया है, ठीक है। कार्मिक डेब्ट्स डेफिनेटली क्लियर होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को सडनली, या तो लक आपका बहुत भाग्योदय जैसे जिसे कहते हैं ना, सडनली आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड जॉब लग जाना, इनकम के स्रोत बढ़ जाना, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगना, या तो फिर सडनली उसका ऑपोजिट होने लगना। यहाँ पर पिछले जन्म के कर्मा एक्टिवेट होने वाले हैं, अक्टूबर मंथ में ही आने वाले हफ्ते में काफ़ी लोगों को इस तरह की चीज़ें एक असर दिखने लगेगा। क्योंकि देखिए राहु और केतु का ट्रांजिट होने वाला है अक्टूबर एंड में, प्लस 14 अक्टूबर को है सूर्य ग्रहण, ठीक है। सूर्य ग्रहण का जो असर है, ये डेफिनेटली कन्या और तुला दोनों राशियों पर बहुत स्ट्रांग वे में पड़ने वाला है। तो अगर आपकी राशि या लग्न तुला है या कन्या है, तो इन लोगों पर ज़्यादा इफेक्ट होगा कंपैरेटिवली अदर्स। इसके अलावा बाकी जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ भी असर होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी लोगों पे कलेक्टिवली, क्योंकि देखिए सूर्य सबको रोशनी देता है, तो सूर्य का जो इफेक्ट होगा, भले सूर्य ग्रहण यहाँ ना दिखे, भारत में ना दिखे, लेकिन इसका जो असर होगा वो कलेक्टिवली सब पर पड़ेगा। तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ग्रहण का, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जब भी सूर्य सूर्य क्या है, हमारी लाइफ में नेम, फेम, रिकॉग्निशन, हमारा स्टेटस, हमारी हैप्पीनेस, हमारे लाइफ में जो उजाला है वो सूर्य है, हमारी आत्मा सूर्य है। तो जब सूर्य पे ग्रहण पड़ता है ना, तो चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं, ठीक है। जैसे चंद्रमा फुल मून होता है तो कैसे टाइड होती है, हमारे इमोशंस के अंदर भी, हमारे अंदर भी शरीर में पानी है तो टाइड्स होते हैं, हम रोने लगते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। वैसे ही जब सूर्य ग्रहण होता है तो पिता को कष्ट हो सकता है, घर के बड़ों को कष्ट हो सकता है, हेल्थ वाइज बहुत वायरल फीवर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर सकता है, कफ, कोल्ड, ठीक है। सीजनल जो सीज़न चेंज होता है, अब जैसे जाड़ा शुरू हो रहा है, तो काफ़ी लोगों को ऐसा होगा कि यार बहुत बॉडी पेन है, बहुत सफरिंग है, इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो इस तरह की चीज़ें सडनली हो सकती हैं। थोड़ा सा आप लोग को अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, काढ़ा वढ़ा पीते रहें लगातार, कुछ हो या ना हो बट काढ़ा पीते रहें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में फिज़िकली आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो सकता है या हो सकती है, या तो ये बंदा आपकी तरफ काफ़ी समय से है, मे बी आपका बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, अट्रैक्शन हो, तब तो अच्छी बात है। बट ये कोई आउटसाइडर भी हो सकता है, मतलब हो सकता है आपको ऐसा पता चले कि कोई व्यक्ति है जो आप पर नज़र रख रहा है या रख रही है, जो आपकी तरफ आना चाह रहा है या आना चाह रही है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कोई आपको अपना क्रश मानता है। इसके अलावा कुछ लोगों के लाइफ में आने वाले हफ्ते में सडनली किसी तरह का झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, किसी से बहस, बहसबाजी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। स्वॉर्ड उठाया हुआ एक बंदा है, डेफिनेटली यहाँ पर आप अपना पक्ष रखेंगे, आप डरेंगे नहीं किसी से, डेरिंग एनर्जी है। अब ये कहाँ पे झगड़ा होगा ये तो सबका अलग अलग है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, बट यहाँ झगड़े की एनर्जी, आपका मूड स्विंग हो सकता है। इसका कारण क्या है, मंगल,
मंगल और केतु कंजंक्शन में है, तो मंगल और केतु अगर कंजंक्शन में है तो डेफिनेटली यहाँ मंगल क्या है, किसी का मंगल भारी होता है तो कहा जाता है मंगल शांत कराओ भाई, बहुत मूड स्विंग हो सकता है। ठीक है, मंगल काफ़ी बार ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शंस भी दे देते हैं, एलर्जी दे देते हैं, सडन एक्सीडेंट, सडन इवेंट्स, तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों से भी आपको थोड़ा बच के रहना है ट्रैवल के दौरान, कट बर्न, चाकू आप कुछ काट रहे हैं आपको कट लग जाए, ठीक है। इस तरह की, इस समय जो बच्चे पैदा होंगे ज़्यादातर सिजेरियन से पैदा होंगे, नॉर्मल डिलीवरी होना इस टाइम पीरियड में फ़िलहाल 1 महीने थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो सकते हैं कि मुझे लाइफ में किसको चूज़ करना है, किसको सेलेक्ट करना है, बिजनेस करूँ या जॉब करूँ, या इसको चुनूँ या उसको चुनूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो फिलहाल अभी कोई डिसीजन मत लें, स्पेशली पितृपक्ष में कोई डिसीजन मत लें, ग्रहण तक कोई डिसीजन मत लें। नवरात्रि में जो नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है। फिलहाल कोशिश करें कि आने वाले हफ्ते में कोई डिसीजन ना लें। ठीक है, किसी भी तरह का नया बिजनेस को ओपन करना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, या कोई प्लॉट खरीदनी है, कोई कुछ भी करना है, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, किसी का रिश्ता आ रहा है, फोटो देख रहे हैं, अभी भले आप उनको जवाब ना दें बट अभी कोई डिसीजन ना लें। ठीक है, बाद में पछताना पड़ सकता है। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में आने वाला हफ्ता फैमिली लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा है। फैमिली में काफ़ी लोगों की एंट्री हो सकती है, लोग दूर दूर से आ सकते हैं आपके घर, मेहमान आ सकते हैं, गेस्ट आ सकते हैं। इसके अलावा बच्चे आपके घर में आ सकते हैं, बच्चे मतलब जैसे आ जाते हैं कहीं से तो कैसे घर एकदम क्या कहते हैं, एक रौनक आ जाती है, तो काफ़ी लोगों के घरों में रौनक आते हुए नज़र आ रही है, क्लेम करें इस एनर्जी को। इसके अलावा कुछ लोगों की तरफ अगर आप सिंगल हैं तो किसी का प्रपोज़ल आ सकता है, बहुत ही खूबसूरत, हैंडसम, सोशल, बहुत ही कम्युनिकेटिव पर्सन का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और अगर आप सिंगल नहीं हैं, कमिटेड हैं, तो भी हो सकता है कि कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं आने वाले हफ्ते में। अगर ये चीज़ें आपके साथ होती हैं ज़रूर ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। ठीक है, देखते हैं मेजर अरकाना से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं आने वाले हफ्ते में। कलेक्टिव लेवल पे मेजर अरकाना अभी मैं रेडी नहीं हूँ, थोड़ा सा टाइम दें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। 5 कार्ड्स, मेजर अरकाना, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, टावर, डेफिनेटली किला ढहता हुआ नज़र आ रहा है, बैड न्यूज़, पहला ही कार्ड, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बैड न्यूज़। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये पास्ट लाइफ कर्मा है, मतलब जिसकी लाइफ में भी ये चीज़ें घटित होंगी ना, ये समझ लेना कि पिछले जन्म का कुछ पेंडिंग कर्मा है जो अब उजागर हो रहा है, सामने आ रहा है। ठीक है, मेजर अरकाना देखिए पूरे देश दुनिया सबके लिए है, तो ये किसी कंट्री से रिलेटेड हो सकता है, कलेक्टिवली हो सकता है। काफ़ी लोगों की लाइफ में यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपने कोई परीक्षा दी हुई है उसका रिजल्ट आपके फेवर में आए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअल हों, बहुत ज़्यादा आपको नॉवेल्स पढ़ने का मन करे, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का मन करे, एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन करे, टैरो सीखने का मन करे, कोई ना कोई ज्ञान अर्जित करने का मन करे, या स्पिरिचुअल वीडियोस आपको बड़े अच्छे लगें, भगवान शिव से रिलेटेड, कृष्ण जी से रिलेटेड, या आप जिस भी धर्म से हैं, आपको ऐसा लगे कि आपको बड़ा सुकून मिल रहा है वैसे वीडियोस देखकर। इसके अलावा कुछ लोगों की लाइफ में आने वाले हफ्ते में पॉसिबिलिटी है कि शादी से रिलेटेड घर में कोई बात हो सकती है, शादी की कोई तैयारियां, शादी की कुछ ना कुछ यहाँ आने वाले समय में, जैसे अभी तो पितृपक्ष चल रहा है बट आने वाले समय में जैसे कोई इवेंट की तैयारी, कोई इवेंट का बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो सकता है। हो सकता है कि आपको ये डिस्कशन से प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कुछ लोगों को इस डिस्कशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये वही लोग हो सकते हैं जिनके मन में कोई और है, दिल में कोई और है, बट मजबूर हैं किसी सिचुएशन से। ट्रेडिशनल वे में शादी की बातें चल सकती हैं। टीचिंग से रिलेटेड या लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आपने कोई परीक्षा दी है तो, या फिर IAS सिविल सर्विसेज की अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। देन वी हैव हर्मिट, किसी संत महात्मा, किसी साधु, किसी ऋषि से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है।
अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेशन पसंद करें आने वाले हफ्ते में, थोड़ा अकेला रहना पसंद करें, आपको ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव जस्टिस। तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी का मसला डेफिनेटली हो सकता है काफ़ी लोगों की लाइफ में। इसके अलावा कोई रुकी हुई चीज़ें हैं जो पेंडिंग हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं, मूवमेंट नज़र आ सकता है। लेट्स क्लैरिफाई टावर, बिकॉज टावर क्या बताना चाह रहा है ये जानना भी ज़रूरी है। क्यों आया है टावर, पहला ही कार्ड एंजल्स, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर दें। टावर को क्लैरिफाई किया है मजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में आपने जो सोचा वो पूरा होगा इसकी उम्मीद कम है। मे बी आप में से कई लोगों का दिल टूट सकता है, या आपने कोई प्लान बनाया था, सपोज़ कि आपने कुछ प्लान बनाया है घर लेने का, या आपने कोई प्लान बनाया है कि आपको इस पर्सन से शादी करनी है, वहाँ पर कोई टावर मोमेंट आ जाए, सडनली कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो चीज़ें रुक जाएँ, ठीक है, सफरिंग हो जाए, आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो उसमें कोई अड़चन आ जाए, थोड़ा समय लगे, इस तरह की चीज़ें हैं। प्लस सफरिंग का कार्ड है, तो कोई बैड न्यूज़ भी यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। अब हम देखेंगे ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड ड्रीम्स, किस तरीके के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं आने वाले हफ्ते में। अनएक्सपेक्टेड ड्रीम्स, ओके। तो सबसे पहले मैं अपनी चैनलिंग कर दूं। बहुत सारे लोगों को ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं कि आपके घर में किसी तरह का कोई आया है, गेस्ट आया है, और उसे आप कुछ खिला रहे हैं, या वो आपको स्वीट्स दे रहे हैं, या आप उनको स्वीट्स सर्व कर रहे हैं। तो स्वीट्स से रिलेटेड सपने कुछ लोगों को आ सकते हैं। हो सकता है कि वो गेस्ट आपके लिए कोई गिफ्ट भी लेकर आए हों। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर आपको पितृपक्ष में ये ड्रीम आता है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे प्रसन्न हैं, या वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इन जनरल भी ये साइन काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अग्नि से रिलेटेड ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। चैनलिंग में मैंने बहुत एक्चुअली मैंने 3 तारीख को ये चैनलिंग देखी थी, जब ऐसा कोई युद्ध उद्ध शुरू नहीं हुआ था। मैंने 3 तारीख को ये चैनलिंग देखी थी कि बहुत ब्लास्ट हो रहे हैं, काफ़ी लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं। बट डेफिनेटली ये जो चीज़ें हुई हैं ये काफ़ी भयंकर रूप से हुई हैं, और अनएक्सपेक्टेड जो चैनलिंग है इसमें आपको भी बहुत ध्यान देना है। अपने घर के गैस रात को बंद करके सोएं, अपनी तरफ से अपने घर की पूरी सेफ्टी रखें, ठीक है। इसके अलावा जो चैनलिंग मैंने देखी है वो है सिल्वर स्नेक। काफ़ी लोगों को ऐसा नज़र आ सकता है कि स्नेक है, वाइट कलर का या सिल्वर कलर लिया हुआ आपको स्नेक नज़र आ सकता है, जो कि शुभ है। यहाँ से भी आया है बट मेरी चैनलिंग में भी आया है, ठीक है। इसके अलावा नाग नागिन का जोड़ा बहुत सारे लोगों को नज़र आ सकता है अनएक्सपेक्टेड ड्रीम्स, या तो रिसेंटली आया होगा या आने वाले हफ्ते में आएगा, ठीक है। इसके अलावा माता शिव, भगवान शिव और माता पार्वती की ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। ये जो ड्रीम्स होंगे ये सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो किस तरीके के ड्रीम्स आपको आते हैं, अगर आपको शिव शक्ति नज़र आते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या दिखा, ठीक है। ज़्यादातर मुझे जो शिव शक्ति दिखते हैं वो नृत्य करते हुए नज़र आते हैं, और बहुत ही जो एक होती है ना एक सुकून, और कई बार तो मैं सामने बैठी रहती हूँ और मैं उनके लिए कुछ बनाती रहती हूँ और वो सामने रहते हैं, तो कुछ अजीब से ड्रीम्स आते हैं मुझे। तो हो सकता है आप में से कई लोगों को ये चीज़ें दिखें, हो सकता है ना भी दिखें। तो ये कुछ चैनलिंग है। इसके अलावा एक और मुझे गाइडेंस मिली थी, और मुझे ये गाइडेंस मिली थी कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में सडनली आने वाले हफ्ते में कुछ बड़े शिफ्ट्स आने वाले हैं। ये शिफ्ट देखिए आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, और ये जो शिफ्ट आएंगे ये दिसंबर तक आएंगे। दिसंबर तक में काफ़ी लोगों की लाइफ में कोई बड़ा शिफ्ट आएगा, एक बड़ा चेंज आएगा,
ये जो चेंज है इसको आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि ये जो चेंज आएगा ये डिवाइनली गाइडेड है। या तो बहुत पॉजिटिव, एक्सट्रीमली पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, या एक्सट्रीमली नेगेटिव शिफ्ट आएगा, लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव है। भले आपको पास से देखने में लगे कि ये बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, लेकिन आगे चल के आपको रियलाइज़ होगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो ये एनर्जीज़ है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कई लोगों को ब्लैक फेदर या वाइट फेदर या ग्रेइश फेदर नज़र आ सकता है, रियल में भी नज़र आ सकता है या ड्रीम्स में नज़र आ सकता है। लाल कलर का कोई प्लैनेट, स्पेशली सन या मार्स आपको नज़र आ सकता है, सनसेट नज़र आ सकता है, मतलब डूबता हुआ सूरज कई लोगों को नज़र आ सकता है। वाइट स्नेक, जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी लोगों को नज़र आ सकता है। वाइट डव काफ़ी लोगों को कलेक्टिवली नज़र आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई जेमस्टोन आपको नज़र आ सकता है, या कोई अंगूठी, या कोई आप कोई ज्वेलरी शॉपिंग कर रहे हैं, इस तरह की भी चीज़ें आपको नज़र आ सकती है। ताड़ का पेड़ आपको नज़र आ सकता है, ठीक है, ताड़ का पेड़, पाम ट्री आपको नज़र आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को वुमेन से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, ठीक है। एक चैनलिंग और मुझे हुई थी, छोटा सा बच्चा, बड़ा क्यूट सा, बहुत प्यारा सा बच्चा मुझे ड्रीम में दिखा था, तो काफ़ी लोगों को बच्चे से रिलेटेड भी ड्रीम आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा खेत खलिहान से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, बुक से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। आपको सपने में ऐसा दिखे कि आप बुक पढ़ रहे हैं, या बुक पे कुछ लिख रहे हैं, या कहीं क्लासेस में लिख रहे हैं। लोमड़ी से रिलेटेड ड्रीम कुछ लोगों को आ सकते हैं, आसमान से रिलेटेड, स्काई, बादल, इससे रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं। कुछ लोगों को ग्रीन स्नेक भी नज़र आ सकता है, ग्रीन हरे कलर का सांप, ये भी बहुत शुभ होता है, ठीक है। कुछ लोगों को स्वान कपल नज़र आ सकता है, यूनियन इसके बाद आपका होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो रिमूव हो जाएंगी। कई लोगों को भूल भुलैया नज़र आ सकता है, आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं खो गए, गुम गए, या आपका कोई खो गया, आपका अपना कोई खो गया, आप उसको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। किसी पिकनिक स्पॉट पर आप गए हैं, वहाँ आप घूम गए हैं, इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं। पैसे से रिलेटेड या पेड़ से रिलेटेड, रेनबो से रिलेटेड ड्रीम्स कुछ लोगों को आ सकते हैं। कुछ लोगों को कोई खंडहर या कोई बहुत ही खूबसूरत महल, आप अपने आप को राजा या रानी या किसी राजकुमार या राजकुमारी के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, या तो अपने पास्ट लाइफ में जाकर चीज़ों को देख सकते हैं, या हो सकता है कि आपको आने वाले समय की कुछ चीज़ें इस लाइफ से रिलेटेड भी नज़र आ जाएं। अब हम देखेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। जिन्हें भी डर लगता है इस पार्ट से वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसी पार्ट से डर लगता है, बट मैं यही कहूँगी कि हमेशा देखें, ताकि आप अपनों को बचा सकें, खुद को बचा सकें, वरना इस रीडिंग का कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ कार्मिक डेप्थ का कार्ड है। आज सुबह आज जितने भी मैंने यहाँ पे कार्ड निकाले, सब में शनि की एनर्जी थी और व्हील ऑफ फॉर्चून थी। यहाँ कार्मिक डेप्थ डेफिनेटली कुछ लोगों को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग फल मिलने वाला है। इसके अलावा देखिए, आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा असेंड हो रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके अनलॉक हो सकते हैं, आपकी सडनली कोई पावर आपके अंदर जागृत हो सकती है जो आपको धीरे धीरे स्वयं पता चले। प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ें हैं। अंदर लाइफ में आपके अगर कुछ चीज़ें रिकवर नहीं हो रही थी, हील नहीं हो रही थी, तो अंदर से आप खुद को हील करेंगे। इवन मदर नेचर भी खुद को हील करते हुए नज़र आ रही हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है यहाँ पर, वी हैव थंडर स्टॉर्म नॉर्थ एंड सोल लॉस। देखिए, सोल लॉस का कार्ड जब आता है ना, तो मैसिव मैसिव लॉसेस होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर बैड न्यूज़ है। अपने लाइफ में देखिए, ये चीज़ें जब भी मैंने देखी हैं तो कुछ ना कुछ भयंकर न्यूज़ आई है। इसके अलावा नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो नॉर्थ वाले सतर्क रहें। और थंडर स्टॉर्म का कार्ड है, तो अब तो खैर बारिश वारिश नहीं होनी चाहिए, अक्टूबर आ गया, बट फिर भी यहाँ पर कार्ड है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा बच बचा के रहें, स्पेशली नॉर्थ साइड के जो लोग हैं, भूकंप भूकंप बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। और इसके अलावा क्या कार्ड है, कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी, अबंडेंस है, सडनली आपको प्रॉफिट हो सकता है शेयर मार्केट में, या सडनली आपकी जॉब लग सकती है, कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। इसके अलावा कोई सेरेमनी की एनर्जी है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी सेरेमनी को अटेंड करें आने वाले समय में अनएक्सपेक्टेडली। सो ये थी गाइस इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं सब आप सबसे रेजोनेट करें, यही प्रार्थना करूंगी महादेव से। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।